हमीरपुर जिला को प्रशासन द्वारा सुंदर बनाने का कार्य किया जा रहा है। राहगीरों को चलने के लिए सड़क के किनारे फुटपाथ बनाए गए हैं, जिसके चलते वार्ड नंबर 6 और 7 के कुछ घरों और कार्यालय में बनाई गई पार्किंग को जाने वाले रास्ते भी बंद हो गए हैं, जिसको लेकर वार्ड नंबर 6 और 7 का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त हमीरपुर से मिला और ज्ञापन देकर उनकी इस समस्या को जल्द हल करने की मांग की। इस अवसर पर ज्योति कुमार, ओम प्रकाश, राजकुमार, रघुनाथ शर्मा, राकेश कुमार इत्यादि मौजूद रहे। वहीं अजय शर्मा ने कहा कि प्रशासन द्वारा शहर को सुंदर बनाने के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं और वो एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा वार्ड नंबर 6 और 7 में बनी पार्किंग में जाने के लिए एक रास्ता बना था, लेकिन नादौन चौक से लेकर डांग क्वाली तक बने फुटपाथ के कारण वह रास्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से घरों और कार्यालयों में बनी पार्किंग बंद हो गई है। उन्होंने उपायुक्त से मांग करते हुए कहा कि उनकी इस समस्या को जल्द हल किया जाए, ताकि लोग अपनी गाड़ियों को उनके द्वारा बनाई गई पार्किंग में पार्क कर सकें। फुटपाथ का कार्य चलाया हुआ है और शहर को सुंदर बनाने का कार्य किया है, वो एक सराहनीय कार्य था, लेकिन इसमें एक दो कमी जो वार्ड नंबर 7 और 6 के लोग जो हैं, जहां फुटपाथ बन चुका है हमारा नदौन चौक से लेकर ऊपर तक, वहां और एक डांकवाड़ी चौक पे एक नगर परिषद की सड़क उस फुटपाथ की वजह से बंद हो गई है, उसको पैसेज नहीं दिया गया है। उसके अलावा ये हमारे ज्योति कुमार जी हैं, इनके घर की जो 5-6 गाड़ियां हैं, बहुत बड़ी पार्किंग इन्होंने बना रखी है, वो बंद हो गई है। इसके अलावा कांगड़ा बैंक की पार्किंग बंद हो गई है। हमारे जितने भी एडवोकेट जो जिनके ऑफिस हैं, उनकी पार्किंग बंद हो गई है। इसके रिगार्डिंग ही हमने जिला अधिकारी महोदय से आज रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द उनकी पार्किंग को चलाया जाए, क्योंकि आज जो हमारा TCP रूल है उसमें भी, बल्कि अब जो नक्शा पास होता है वो तब पास होता है जब आप पार्किंग एरिया छोड़ते हैं। तो आज हमने यही जिला अधिकारी महोदय से प्रार्थना की है कि जो हमारे वार्ड नंबर 7 के लोग हैं, उनको जल्द से जल्द उनकी पार्किंग को खोल के और उनको ये जो व्यवस्था दी जाए, ताकि उनके जो अपनी गाड़ियां हैं घरों के अंदर खड़ी हो सकें। यही हमारा आज का जो मेन ये था।